की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कमेटी का ये इजलास शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा, क्या अहम फैसले हो सकते हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल, कमेटी का इजलास जो है इस वक्त जारी है और इस इजलास में नासिर जंजुआ जो मशीर कौम इस्लामती है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरीज, इसके साथ साथ चारों सूबों के आई जीज भी शरीक हैं, जबकि नेक्टा के डीजी और जो दीगर आला हुकाम है वजारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला भी इस इजलास में नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये पहला इजलास है जो कमेटी तश्कील दी गई थी अमल दरामद के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाए इस हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी और इसकी सरबराही नासिर जंजुआ को दी गई थी। आज उन्होंने पहला इजलास बुलाया जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत की जा रही है। सूबे जो है वो अपने इनपुट जो है वो आज उस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं नासिर जंजुआ को और आज का इजलास जो है इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बातचीत की जाएगी और इजलास में वफाक और सूबों के नुमाइंदे शरीक हैं। शुक्रिया सरदार हमीद, आपने अपडेट किया।